नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है पैट कमिंस को कितनी सैलरी मिलती है? स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कितना कमाते हैं? डेविड वार्नर को कितने पैसे मिलते हैं ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड से? नहीं जानते हैं? आप सभी को हम इस बात की जानकारी देने के लिए आए हैं। दरअसल द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें सभी खिलाड़ियों की सैलरी के बारे में बताया गया है। टॉप 5 क्रिकेटर्स हैं, उसकी सैलरी हम आपको बताते हैं। पैट कमिंस को 13 करोड़ भारतीय करेंसी में मिलते हैं, मतलब 13 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं, ये उनकी सैलरी है। दूसरे नंबर पर जोश हेजलवुड है। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और वैसे भी पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान हैं ही, तो 2 लाख उनको बोनस भी मिलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। जोश हेजलवुड को भारतीय करेंसी में यानी हमारे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करके 12 करोड़ से ज्यादा वो रुपया कमाते हैं। तीसरे नंबर पर है डेविड वार्नर। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और इनको जो है 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। चौथे नंबर पर है मिचेल स्टार्क, इनको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि स्टीवन स्मिथ की भी सैलरी 10 करोड़ रुपए है। ये जो मैंने आपको 13, 12, 11, 10, 10 मैंने बताया है, ये जो सैलरी है ये खिलाड़ियों को अपने देश के अपने बोर्ड की तरफ से मिलते हैं, जबकि जो खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं जो उनको उतनी सैलरी मिलती है वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है, इसमें इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ ये अपने बोर्ड से अपने देश के लिए खेलते हुए पैट कमिंस 13 करोड़, जोश हेजलवुड 12 करोड़, डेविड वार्नर 11 करोड़, मिचेल स्टार्क और स्टीवन स्मिथ को 10-10 करोड़ रुपए सिर्फ अपने बोर्ड से मिलते हैं। फंडा क्लियर हो गया, समझ गए ना? बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा। धन्यवाद।